वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज से हम लोग अपने चैनल में एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 को पूरे कंप्लीट रूप से कवर करेंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। और आज के सेशन से हम लोग सबसे पहले जीएस पेपर 1 से शुरुआत कर रहे हैं और इसी तरह जीएस पेपर 4 तक हम लोग इसे कवर कर देंगे। तो जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है, जो कि पेपर 2 में आता है, जीएस पेपर 1 इसमें है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस बता दूं ताकि आपको एक क्लियर हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सीधे हम लोग टॉपिक में आ जाए, वो चीज़ ठीक नहीं होती है। पहले मैं यहाँ थोड़ा सिलेबस बता दूँ जीएस पेपर 1 का, उसके बाद हम लोग एक एक करके टॉपिक को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज का क्लास तो पहला है, इसलिए फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए ताकि आपको, क्योंकि आज आप पेशेंस बना लीजिएगा तो क्या है कि आपको पूरे सिलेबस जब क्लियर हो जाएगा तो आप आगे जो है वो पूरे क्लैरिटी के साथ हर एक टॉपिक को पढ़ पाएंगे, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आप जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो जीएस पेपर 1 में है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है हमें, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है एंड सोसाइटी को भी पढ़ना है, साथ ही इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर भी है। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आ जाता है वो है इंडियन कल्चर विथ विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स के साइलेंट एस्पेक्ट्स है आर्ट फॉर्म्स के, उसको हमें देखना है जो कि इंडियन कल्चर पर बेस्ड है। ठीक है, लिटरेचर देखना है, आर्किटेक्चर देखना है जो कि एंशियंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन लिटरेचर आर्किटेक्चर में, तो इन सभी चीज़ों को हमें देखना है। यानी कुल मिलाकर ये आर्ट एंड कल्चर का ये पूरा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ एक ओवरव्यू यहाँ देख दिया गया है। उसके बाद है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th century, यानी 18th century के मिडिल से अनटिल प्रेजेंट, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक जो चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री हमें पूरा पढ़ना है। और साथ ही साथ कुछ इवेंट्स के, सिग्निफिकेंट इवेंट्स को भी देखना है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको डिटेल में देखना है और इशूज़ देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल का अलग से एक टॉपिक है जिसमें कि इट्स वेरियस हर एक उसके स्टेजेस को देखना है, उसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने कितना दिया है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उन सभी चीज़ों को हमें देखना है। यानी फ्रीडम स्ट्रगल में किसने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अलग अलग देश में अलग अलग तरीक़ों से, उन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देखना है और रीऑर्गेनाइजेशन जो है विद इन द कंट्री, इस टॉपिक को भी पूरा हमें देखना है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कि इंक्लूड किया गया है इवेंट्स फ्रॉम 18th century से जो जो इवेंट्स हुए हैं, सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वर्ल्ड वार हुआ, रिड्रॉल ऑफ नेशन बाउंड्रीज हुआ, कॉलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफर्स जैसे लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, और इनका क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे सोसाइटी में, क्या फॉर्म्स का इफेक्ट पड़ा है इनका हमारे सोसाइटी में, इन सभी चीज़ों को हमें देखना है। उसके बाद यहाँ पे साइलेंट फीचर्स देखना है इंडियन सोसाइटी, एंड इंडियन सोसाइटी जो है ये सोसाइटी वाला एक टॉपिक है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें देखना है। साथ ही साथ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इसमें कई सारे और पॉइंट्स आते हैं, उन सभी चीज़ों को हमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद है रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का क्या रोल है एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन के देखना है, एसोसिएटेड इश्यूज उसके साथ पॉपुलेशन और उसके साथ साथ जो उसके इश्यूज वगैरह हैं उसको देखना है, पॉवर्टी को देखना है, पॉवर्टी एक अलग टॉपिक ही है, साथ ही साथ जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उन्हें हमें डिटेल में कवर करना है, अर्बनाइजेशन जो है और देर उसके उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कि उसके रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे देखकर चलना है। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसे ये देख लिए। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या क्या है और इंडियन सोसाइटी के ऊपर में ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हमें देखना है, साथ ही साथ सोशल एम्पावरमेंट को देखना है,
कॉम्युनलिज्म को देखना है, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म को देखना है, साथ ही साथ अगला है साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसको, उसके फीचर्स को हमें देखना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन किस नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरे वर्ल्ड में उसको देखना, जिसमें इंक्लूड हुआ है साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकेशन जो है प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्शियरी सेक्टर का इंडस्ट्रीज में इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इन सभी चीज़ों को हमें देखना है। ठीक है, पढ़ना है इसके बारे में। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना को देखना है, इसमें कुछ जियोफिजिकल फेनोमेना में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी, वॉल्केनो एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सारे जियोफिजिकल फेनोमेना है। तो इन सब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है इसको हमें डिस्कस करना है, इसके बारे में पढ़ना है, ये क्यों होते हैं, किस इससे क्या क्या हानि हो सकती है, इसको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इन समय में काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद है जियोफिजिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जियोफिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग जैसे वाटर बाउंड्रीज एंड आइस कैप्स, ये क्या है, फ्लोरा एंड फोना क्या है, एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंज, इसमें चेंजेस अगर होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट में, उन सभी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो ये था GS1 का पूरा सिलेबस, इसके बाद GS2 का सिलेबस आता है, तो जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे उस समय शुरुआत में हम लोग उसको सिलेबस को भी देख लेंगे। तो अभी का जो सिलेबस है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिलेबस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके फर्स्ट जो इसका टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा मैं इसे इरेज कर दूँ ताकि साफ आपको दिखे, ठीक है, ये मैंने इरेज कर लिया, अब इसको आप लोग क्लियर दिखेगा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये होगा, ठीक है, इसको हम लोग, इसके अंदर भी बहुत पूरा आर्ट एंड कल्चर है, ये इंडियन कल्चर विल कवर साइलेंट फीचर ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू द मॉडर्न टाइम्स। तो इसका क्या सिलेबस है, अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसको हम लोग, मैं दिखाता हूँ अभी, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो ये पूरा आर्ट एंड कल्चर का ये पूरा टॉपिक हो जाता है, ये देखिए, ये जो है इंडियन कल्चर साइलेंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू द मॉडर्न टाइम्स, यही था पहला टॉपिक। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं टॉपिक वो हमें देखना है। तो देखिए इसमें है इंडियन आर्ट फॉर्म्स, जिसमें कि इंडियन पेंटिंग्स हमें देखना है, जिसमें मुराल पेंटिंग्स आ जाता है, मिनिएचर पेंटिंग्स आ जाता है, मुगल राजपूत प्रहरी पेंटिंग्स आ जाता है, तो ये सब क्या क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है डांसेस इन इंडिया, जिसमें क्लासिकल डांस फॉर्म्स, फोक डांस फॉर्म्स, मॉडर्न डांस, ये सारा चीज़ डांस आ जाता है। देन म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, ये सारा। फिर पपेट्री यानी स्ट्रिंग पपेट्स, शेडो पपेट्स, रॉड पपेट्स, ग्लोव पपेट्स, मॉडर्न पपेट्री, ट्राइबल पपेट्री, ये सारा कुछ आ जाता है। पोएट्री में भी जैसे ऑर्कर कलर्ड पोएट्री जिसको OCP बोलते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर BRW, पेंटेड ग्रे वेयर PGW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, एंड ग्लेज्ड एंड अनग्लेज्ड पोएट्री, ये सारा कुछ क्या है सब चीज़ डिस्कस करूँगा मैं। ड्रामा और थिएटर में आ जाता है क्लासिकल संस्कृत थिएटर, रीजनल थिएटर, मॉडर्न थिएटर। देन मार्शल आर्ट्स में आ जाता है थंग, टा, गटका, कलीपट्टू, मालाखाब, सिलम्बम, अदर इम्पॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स भी आ जाते हैं। देन वर्चुअल आर्ट्स में आ जाता है स्कल्पचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, स्कल्पचर्स ऑफ द मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन पीरियड, जैन स्कल्पचर्स, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स, बुद्ध स्कल्पचर, मेडाइवल स्कूल ऑफ स्कल्पचर, मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। देन उसके बाद है आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट भी है, इसमें स्प्रेड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, वुमेन पोएट्स ऑफ भक्ति। देन लिटरेचर में आ जाता है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, इसमें वेदास, उपनिषद्स, पुराणास, बुक्स रिटन बाय कालिदास, विशाखादत्त एक्सेट्रा। देन एंशियंट बुद्धिस्ट लिटरेचर, एंशियंट जैनिज्म लिटरेचर, अर्लियर द्रविडियन लिटरेचर जिसमें संगम पीरियड एग्जांपल जैसे संगम पीरियड, उसके बाद मेडाइवल लिटरेचर, ट्रेंड्स इन मेडाइवल लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर,
उसके बाद है आर्किटेक्चर में कौन कौन सा आ जाता है वो देख। पहला है इसमें हड़प्पन आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर, मौर्यन पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, टेंपल आर्किटेक्चर में जैसे नागारा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, वेसारा स्टाइल, केव आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट केव, जैना केव, गुप्त पीरियड केव्स, देन मेडाइवल एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आ जाता है इंपीरियल स्टाइल दिल्ली सल्तनत, प्रोविंशियल स्टाइल, मुगल स्टाइल, सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, राजपूत आर्किटेक्चर, उसके साइलेंट फीचर्स। उसके बाद आता है कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूरोपियन इन्फ्लुएंस, इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। उसके बाद रॉक कट आर्किटेक्चर भी है जिसमें साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन, ईस्टर्न इंडियन सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, ये फिर आगे का एंशियंट हिस्ट्री वगैरह उस बात का चीज़ है। तो पहले हम लोग को ये वाला फर्स्ट टॉपिक हमको देखना है जिसमें कि लिटरेचर आर्किटेक्चर वगैरह सारा कुछ हमें देखना है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री है, देन मेडाइवल हिस्ट्री है, ये बात का टॉपिक है। ठीक है, ये हमें बाद में देखना है। तो आज का पहला जो है हम लोग जो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मुराल पेंटिंग्स। ठीक है, मुराल पेंटिंग्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ है हम लोग मुराल पेंटिंग्स में आ जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा और काफी अच्छा भी लगेगा, सारा चीज कवर होता चला जाएगा। ये तो मुराल पेंटिंग्स क्या क्या है देखिए, मुराल पेंटिंग्स एंड केव पेंटिंग्स। ठीक है, एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में नहीं जाना इस इन सभी टॉपिक्स में। इस सभी टॉपिक्स का एक ओवरव्यू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह आए वो आसानी से कवर हो जाए। ठीक है, तो मुराल पेंटिंग्स क्या है, केव पेंटिंग्स क्या है। मुराल इज ए लार्ज पिक्चर पेंटेड और एफेक्ट डायरेक्टली ऑन ए वॉल और सीलिंग। यानी मुराल जो है इसका मतलब क्या है कि एक लार्ज पेंटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जाती है जो कि डायरेक्टली वॉल पे बनाई जाती है या फिर सीलिंग्स पर बनाई जाती है। ठीक है, ये समझना है। और जिस इसका जो एग्जिस्टेंस है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मुराल पेंटिंग्स इंडिया में जो इसको डेट किया गया है बैक टू द सेकेंड सेंचुरी BC से लेकर 8 to 10 सेंचुरी AD तक, ये इसका टाइम पीरियड बताया गया है मुराल पेंटिंग्स का इंडिया के अंदर में। ठीक है, उसके बाद है कि सम ऑफ द प्लेसेस वेयर दिस पेंटिंग्स इज फाउंड, जहाँ जहाँ ये पाया गया है ये पेंटिंग, वो है अजंता में पाया गया है, बाघ में पाया गया है, सीतान वसल में पाया गया है, उसके बाद अरमा मलाई में पाया गया है केव में, रावण चैत्य रॉक शेल्टर में पाया गया है, कैलाशनाथ टेम्पल में पाया गया जो कि एलोरा में है, एलोरा केव्स में है, उसमें मेजोरिटी ऑफ द थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग रिलेट्स टू द, कौन कौन से इसे रिलेट करते हैं, ये जो पेंटिंग रिलेट करती है किस रिलीजन से, तो बुद्धिज्म से, जैनिज्म से और हिंदुइज्म से ये रिलेट करती है। ठीक है, अजंता पेंटिंग्स अगर हम लोग पहले बात करें जहाँ से ये मिली है, तो अजंता इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC एंड द 5th century CE। यानी अजंता की जो पेंटिंग सी, ये एकमात्र ऐसी पेंटिंग है जो कि फर्स्ट सेंचुरी BC की है और 5th century CE की है। ठीक है, उसके बाद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग्स इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट। और इसमें जितने भी ये जो सब्जेक्ट मैटर इन पेंटिंग्स में ज़्यादातर जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को दर्शाया गया है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्टिंग कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि एक्सेप्टिंग डेकोरेटिव पैटर्न्स जो है सीलिंग्स और पिलर्स में, उसको छोड़कर ज़्यादातर जो चीज़ है वो फोकस्ड है बुद्धिस्ट रिलीजन पर। ठीक है, दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द जटाका। ये जो मोस्टली एसोसिएटेड है, ये जटाका पर एसोसिएटेड है, जो कि कलेक्शन ऑफ स्टोरीज होते हैं, इसमें स्टोरीज वगैरह दिखाई जाती हैं, कुछ कहानियां बताई जाती हैं इस पेंटिंग के माध्यम से, रिकॉर्डिंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, जो लॉर्ड बुद्धा के बर्थ से पहले क्या क्या हुआ था
उन सभी चीजों को इसमें दिखाया गया, माने पेंटिंग के तौर पर पूरी कहानी बताई जाती थी।